सो गाइज द डिस्टेंस इज 63 किलोमीटर्स एंड यहाँ से जो सनराइज पॉइंट है वो ऑलमोस्ट 2 hours 22 minutes दिखा रहा है. दिस इज फ्रॉम सिलीगुड़ी चेक पोस्ट, सेकेंड माइल चेक पोस्ट. सो अभी हम लोग चल रहे हैं. नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल जस्ट मैरिड. सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 2 और हम लोग घर से निकल गए हैं. दार्जिलिंग मोड़ तक मैं लेकर आई थी ना, वो कौन सा जगह था, माटीगाड़ा. ओके, तो माटीगाड़ा तक मैं ड्राइव करके लेकर आई. उसके बाद से मेरे हस्बैंड ने एक कार ले लिया बिकॉज बहुत ट्रक चल रहे हैं एंड इट इज नॉट सेफ टू ड्राइव एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट. और आज हम जा रहे हैं टाइगर हिल्स. सो बेसिकली जिन्हें टाइगर हिल्स के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ दैट इट इज द मोस्ट फेमस प्लेस टू वॉच सनराइज फ्रॉम दैट प्लेस. और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और जो लोग भी दार्जिलिंग जाते हैं ना, टाइगर हिल्स उनके बकेट लिस्ट में नंबर 1 पे रहता है. सो गाइज आज हम भी जा रहे हैं टाइगर हिल्स देखने के लिए कि वहां से कितना अच्छा व्यू मिलता है. टाइगर हिल्स से 72 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कंचनजंगा माउंटेन दिखता है, साथ ही साथ माउंट एवरेस्ट भी दिखता है. तो हम आपको दोनों व्यू दिखाएंगे, प्लस हम आपको वहां से सनराइज भी दिखाएंगे. सो गाइज अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. एंड इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सो गाइज चलिए बाहर का व्यू देखते हैं कि अभी कितना अंधेरा है और हम लोग कितनी जल्दी बाहर निकल गए हैं. सो गाइज बहुत सारे बाइकर भी रोड पे हैं जो ड्राइव कर रहे हैं अभी इस वक्त. आई एम ऑल्सो यू नो वेरी एक्साइटेड. मैं थोड़ा सा टॉर्च ऑन कर देती हूँ क्योंकि अंधेरे की वजह से ना शायद आपको सही से नहीं दिख रहा, इसलिए मैं मोबाइल का टॉर्च चालू करके आप लोगों के सामने बातें कर रही हूँ. और मैं तो रात भर बिल्कुल नहीं सोई और अमित सिर्फ 1.5 घंटा सोए हैं. मैं तो जग रही थी और गूगल पे ना सब कुछ चेक कर रही थी कि टाइगर हिल के पास और क्या है घूमने के लिए, वहाँ के बारे में और भी बहुत कुछ रीड कर रही थी गूगल पे और आर्टिकल्स पे. सो चलिए अब थोड़ा सा और डिस्टेंस कवर करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं. और तब तक हम थोड़ा सा रेस्ट भी कर ले, नॉट रेस्ट प्रैक्टिकली बट ठीक है, मतलब थोड़ा सा माइंडफुल रेस्ट तो ज़रूरी है क्योंकि सुबह सुबह निकले हैं. और चलते हैं गाइस. हम दार्जिलिंग में एंटर जस्ट किए, वो बोर्ड क्रॉस हो गया और अब टोल आ चुका है. अब हम ये टोल क्रॉस करेंगे दार्जिलिंग का. सो गाइस यहाँ पे टोल लगा 30 रुपीज का. गाइस अब हम करस्यांग वाले रास्ते पे जा रहे हैं और यहीं से हम टाइगर हिल्स की तरफ जाएंगे. अगर आप लोगों ने हमारा करस्यांग का व्लॉग नहीं देखा है देन प्लीज इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा. और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे कान हो गए हैं बंद, पता नहीं मतलब सबके अलग अलग सिम्टम होते हैं बट मेरे तो कान दोनों ही बंद. ओके, तो जब भी मैं जिसे हल्का सा भी पहाड़ पे चढ़ी ना, मेरा कान मतलब तुरंत बंद हो जाता है. वही अभी मैं फील कर पा रही हूँ, मतलब मैं बोल रही हूँ तो मैं फील कर पा रही हूँ बट स्टिल. और आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा होगा, पूरा अंधेरा है बिकॉज यू नो इट्स अर्ली मॉर्निंग. सो अभी हम पहाड़ पे ही चल रहे हैं. सो गाइस आप देख सकते हो रोड क्लियरली. अभी मैंने DSLR ऑन किया है और प्रॉपर रोड आपको दिखाई दे रहा है. और अभी बज रहे हैं 3 और मैप के अकॉर्डिंग 2 घंटा लगेगा ऑलमोस्ट पहुंचने में. तो हम देखते हैं कि हम रोडवे कितना कम टाइम में कवर कर सके क्योंकि हम सनराइज मिस नहीं कर सकते. गाइस हम आपको एक बात बताना भूल गए कि अभी बारिश हो रहा है बहुत ज्यादा. सो इट इज हाईली पॉसिबल कि हमें सनराइज ना दिखे, लेकिन फिर भी वो मॉर्निंग में पहुंच के कुछ तो व्यू दिखेगा. तो जो भी दिखेगा हम उसे एंजॉय करेंगे. सो गाइस ये करस्यांग सिटी है, आपको जो ये छोटे छोटे लाइट्स दिख रहे हैं और ऐसे नेकेड आई से तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बट कैमरा में सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे लाइट से कैप्चर हो रहे हैं. और इट्स एन अमेजिंग व्यू फ्रॉम दिस साइड और बहुत ही अच्छा हवा आ रहा है बहुत ही ज़्यादा. एंड वेरी सैडली कि आपको उतना ठीक से नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ लाइट से दिख रहा है बट मुझे तो बहुत मतलब आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द ब्यूटी है ना. आप देख सकते हो हमारे तरफ मतलब दोनों साइड में घर वगैरह है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. एंड आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन यू द ब्यूटी आई एम वॉचिंग आउटसाइड. और आप मेरे आवाज की तेजी से समझ पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा खूबसूरत है ये व्यू.
बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत है गाइज। अगर आप मतलब जा रहे हो ना टाइगर हिल्स मॉर्निंग में, तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये व्यू आपको पता नहीं कहाँ और देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा गाइस, सो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सोनाडा स्टेशन है। सोनाडा तो ये दार्जिलिंग वाला स्टेशन है? नहीं नहीं। ओके, सो गाइस हमें ये लगा कि ये दार्जिलिंग का स्टेशन है, बट इट वाज नॉट। सो अभी हम थोड़ा आगे चल रहे हैं। स्टेशन दिखा तो ठीक है, और नहीं दिखा तो भी ठीक है, क्योंकि हम जा रहे हैं टाइगर हिल्स देखने। सो गाइस यहाँ से हमें यू टर्न लेना है, और यहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स है और बहुत लोग आए हुए हैं। So we are feeling crazy, और अब टाइगर हिल ज्यादा दूर नहीं है, और अभी टाइम हो रहा है 4:15। So guys we are super duper excited, और अमित प्लीज आप थोड़ा सा ग्लास क्लीन कर दीजिए, बिकॉज बहुत ही ज्यादा फॉगी दिख रहा है। सो या, सो गाइज अभी देखते हैं कि कितना दूर है, थोड़ा दूर और पहुंच के फिर मैं मिलती हूँ आपसे। सो गाइज वी आर ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम टाइगर हिल्स, और यहाँ पे दोनों तरफ बहुत ही ज्यादा घास घास है, और हम लोग चल रहे हैं और बड़ा ही मजा आ रहा है, और जल्दी से जंगल है, दोनों तरफ बहुत ही ज्यादा जंगल है, टर्निंग से बहुत ज्यादा राइट है ना, और मेरे को शूट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट स्टिल आई एम शूटिंग। पॉसिबली अगर आप समझ सकते हो कि कितना हार्ड वर्क हो रहा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और टाइगर हिल्स पहुंच के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस बहुत बहुत लोग आए हुए हैं टाइगर हिल्स पे, और अभी हम कार को उल्टी तरफ रख के पार्क कर रहे हैं, सो दैट हमें नीचे जाने के टाइम कार घुमाने का प्रॉब्लम ना हो, और लोग भी आराम से आ जा सके। और अब हम जल्दी से ठंडे वाले कपड़े पहन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा डाउन है, एंड एक्सपेक्टेडली हमें पता था भीड़ होने वाला है, एंड ऑब्वियसली दिख ही रहा है, अभी ऊपर चल के दिखाते हैं, क्राउड बहुत ज्यादा है। सो गाइज हम लोग टाइगर हिल्स आ चुके हैं, और रास्ते में बहुत सारे वेंडर्स बैठे हुए हैं। So guys, it's almost 4:15 in the morning, और अभी पीछे बहुत अंधेरा है, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड है, और क्राउड तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ हाँ, चाहिए कॉफी? तो गाइज हम लोग गर्मा गर्म थोड़ा सा कॉफी टेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। तो आप कैसे लोग हैं कैमरा पकड़ के? ये इतना गर्म है, पर फील ही नहीं हो रहा है ठंडा की वजह से, कि हमें गर्म गर्म एकदम हॉटेस्ट कॉफी पी रही हूँ, और 5:40 तक सूर्य उदय होगा, यानी सनराइज होगा। सो इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर, सो लेट्स सी। टाइम बहुत ही अच्छा जा रहा है, क्योंकि व्यू बहुत अमेजिंग है, एंड इट इज मस्ट विजिट प्लेस। Hey guys, so basically हम टाइगर हिल्स के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसी बिल्डिंग पे हम लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे ना पूरा क्लाउड के ऊपर हम लोग बैठे, मतलब क्लाउड हमसे बहुत ज्यादा नीचे है, और हम लोग उसके बहुत ऊपर बैठे, तो पूरा डेंस क्लाउड हमें दिख रहा है। ये व्यू देखो, ये व्यू देखो। How could I be so blind? I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair. So guys, ये है दार्जिलिंग, चारों तरफ बादल से घिरा हुआ। 10 आई थिंक दिस इज कंचनजंगा। इतना ठंडा लग रहा ना, है? This was forever, can I take you there? Like it was a
यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे में सनराइज है और अब इस तरफ जस्ट कंचनजंगा और ठीक उसके लेफ्ट साइड में है माउंट। हे गाइस, तो देखिए टाइगर हिल से माउंट एवरेस्ट का जो व्यू है वो कैसा दिख रहा है। और यहाँ पे ये जो आपको व्हाइट वाला दिख रहा है ना, ये बेसिकली है माउंट एवरेस्ट। सो गाइस, ये व्हाइट वाला जो है ना, ये माउंट एवरेस्ट है और ये बहुत ही दूर है, इसीलिए हमें बहुत ही थोड़ा सा जस्ट टॉप का पोर्शन दिख रहा है और ये स्नो से कवर्ड है। और अभी आपको चलिए कंचनजंगा दिखाते हैं। सो गाइस, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा स्नो से कवर्ड है और ये है कंचनजंगा। इसके ऊपर जो सन का रीफॉल कर रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Hey guys, so it's been almost कितना बज रहा है? 5:59, that is 6 बज रहा है अभी और हम लोग यहाँ 4 बजे से वेट कर रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आई होप कि आपको व्यू दिखा होगा सनराइज और कंचनजंगा का। तो जब सनराइज हुआ ना, तो जो सन रेज फॉल हुआ कंचनजंगा पे, वो देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और माउंट एवरेस्ट हालांकि बहुत छोटा दिख रहा है क्योंकि वो बहुत दूर है, लेकिन वो कंचनजंगा से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सो गाइज, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और सनराइज़ होने के बाद भीड़ थोड़ा सा कम हो गया है, शायद लोग कुछ खा पी रहे हैं या थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो अमित, ये व्यू देख रहा हूँ यार, इतना शानदार लग रहा है। नीचे में भी पूरा वो देखो, ये जो ये फॉरेस्ट एरियाज है ना, राइट? और फॉरेस्ट एरियाज के वहाँ पर जो क्लाउड अलाउ नहीं है जाना, बट जो रास्ता है काफी सुंदर लग रहा है। एंड इस पे ये ग्रीनरीज एंड फिर बीच बीच में क्लाउड्स जब वेव बन करके जा रहे हैं ना, बहुत शानदार। और गाइस, आपको पता, हम लोग मेरिक और कर्सियांग गए थे, लेकिन टाइगर हिल्स का अपना ही मजा है। आप लोग अगर दार्जिलिंग आ रहे हो तो नंबर वन पे रखना टाइगर हिल्स, लाइक नंबर वन, टॉप वन बकेट लिस्ट में। टाइगर हिल्स नहीं देखा जिंदगी में, यहाँ आके तो कुछ नहीं देखा। सो इट्स क्वाइट दैट अमेजिंग। सो गाइस, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये कुछ ऐसा बना हुआ है और यहाँ से ये कंचनजंगा है। और वो रहे अमित, हम लोग जा रहे कुछ खाने के लिए, अगर बैठने को मौका मिला तो हम लोग कुछ खाएंगे। लेकिन घास पूरा गीला हो गया यहाँ पर, खाने बैठ नहीं पाएंगे। सो गाइस, हम लोग चल के जा रहे हैं ये फॉरेस्ट एरिया में और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, ठंड भी लग रहा है। और जस्ट बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो है, तो बहुत ही जल्दी इंसान थक जाता है यहाँ पे। और आई लव सन। और यहाँ बारिश भी हुआ है, घास पूरा गीला है। और वो देखिए गाइस, वहाँ पे सनराइज है ना, वहीं पे टाइगर हिल था और वहाँ से ये फॉरेस्ट दिख रहा था और सामने कंचनजंगा। सो सो गाइस, फाइनली मैंने ना वो जैकेट खोल लिया और अभी आप देख सकते हैं कि हम दोनों ने येलो येलो पहना हुआ है और आई एम फीलिंग सो गुड। मीठा मीठा ठंडा हवा है, एक्चुअली उससे भी ज़्यादा है, लेकिन लेकिन बहुत ही अमेजिंग है ये सन जो रे फॉल हो रहा है और हर तरफ घास है। सो इट्स क्वाइट अमेजिंग। अमित, कैसा लग रहा है आपको? मस्त, एकदम शानदार। कैसा, एकदम व्यू बहुत ही ज्यादा मस्त है, एकदम सुबह से ही बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग एटलीस्ट 1:30 बजे, मतलब मैंने उठा दिया था इन्हें और हम लोग 2 बजे तक घर से निकल गए थे, 4 बजे यहाँ पहुँच गए थे और 4 बजे के आसपास से हम लोग वेट कर रहे थे सनराइज का। और अभी ऑलमोस्ट कितना बज रहा है? 7:00 बज रहा है ना, कितना 7 बजने वाला है, 7 बजने वाला। इट्स अमेजिंग अमेजिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। हे गाइस, तो हम लोग लेकर आए हैं पनीर चिली, रोटी, आलू पटल, सब कुछ ना घर से बना के लेकर आए थे हम लोग। और मैंने सारा तैयारी कर लिया था, इवन और भी बहुत कुछ हम लोग लेकर आए, फ्रूट्स वगैरह भी है। तो हम लोग बाहर थोड़ा सा खाना अवॉइड ही करना चाहते हैं, तो इसीलिए। और बहुत ही यमी बना हुआ है खाना। सो गाइस, ये देखिए, कैसा है? बहुत मस्त।
तो अभी टेस्टी बना है। आप देख सकते हो कि ये कैसे बिजी हैं खाने में, इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि ये आप लोगों से बातें करें। तो अभी हम लोग अपना पनीर चिल्ली, आलू पटेल का सब्जी और रोटी खत्म करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस, ये वही रास्ता है जहाँ पर हम लोग सुबह आए थे जिस रास्ते से, एंड पूरा का पूरा अंधेरा था, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं नजर आ रहा था, सिर्फ रोड नजर आ रहा था एंड हमें चलना था। बट अभी देखिए इसके साइड व्यू इतना अच्छा लग रहा है, इतना शानदार लग रहा है ना, मैं क्या बताऊं। मतलब साइड में जो है ना, यहाँ पर पूरा एक बादल अभी भी दिख रहा है पूरे सारे, और माउंटेन्स वगैरह सब कुछ प्रॉपरली व्यू हो रहा है। ये थोड़ा सा हम अभी जंगल वाले एरिया में आ गए हैं, ये देखिए यहाँ से पूरा दिखेगा हमको। अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ, तो सोचा कुछ सवालों के जवाब दे देती हूँ। जब मैं टाइगर हिल्स आ रही थी तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, जो कि टाइगर हिल्स आने के बाद क्लियर हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर लेती हूँ, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब भी आप टाइगर हिल्स आओ। अगर आप पहली बार टाइगर हिल्स आ रहे हो तो घूम आना है, घूम से ज्यादा दूर नहीं है, वहां से ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर है। तो जो भी पासेस बाई होंगे ना, आप उससे पूछ के आराम से टाइगर हिल्स जा सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट है और आप आराम से आ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप कितना बचे हो कि आप प्रॉपर सनराइज देख सको। सनराइज स्टार्ट होता है 5:40 AM और हम लोग 4:30 बजे तक पहुंच गए थे, बहुत लोग 4 बजे तक पहुंच गए थे। और अगर मैं आपको बोलूं तो आप एटलीस्ट 5 बजे तक भी आओगे ना तो भी बहुत ही वेल इनफ है, बहुत ही सही आपको व्यू मिलेगा। और मेन जो कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट का व्यू मिलता है ना, वो जब सनशाइन मतलब सनराइज होता है ना, तो सनरे जो एकदम सुबह का एकदम ताजा किरण जो पड़ता है ना कंचनजंगा पे, उस टाइम जो कंचनजंगा के ऊपर एक अलग सा कलर आता है ना, रेड व्हाइट एंड ऑल दैट, वो देखने लायक होता है। मतलब नेकेड आईज से वो बहुत अमेजिंग लगता है। माउंट एवरेस्ट बहुत ही ज्यादा दूर है तो आपको दिखेगा बहुत ही छोटा सा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बट वो जो कि इतना ज्यादा दूर है तो इसलिए वो छोटा दिखता है, ठीक है। अभी तीसरा क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ मिलता है कि नहीं। सो गाइस, खाने पीने के लिए वहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक चाय वाय कॉफी यही सब कुछ मिलता है, थोड़ा मोटा, और तो मैंने कुछ देखा नहीं। टाइगर हिल्स के ठीक बगल में लाइक विदिन बहुत ही कम डिस्टेंस में 5 मिनट में ही बहुत बड़ा मंदिर है, तो आप मंदिर जरूर दर्शन करना, बहुत ही ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। और टाइगर हिल्स के पहले ना यहाँ पे, सो गाइज यहाँ पे ना सिंचाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिन्होंने टाइगर हिल का हमें पास दिया है। तो जो बाइक वाला होता है ना, वो बाइक जब यहाँ से टाइगर हिल की तरफ जाता है तो वो पर पर्सन 50 रुपीज चार्ज करते हैं, और कार रिटर्निंग के टाइम में वो लोग कार का स्लिप मंगवाते हैं, बोलते हैं बनाने के लिए, और उसका भी पर पर्सन 50 चार्ज करते हैं। तो जैसे हम लोग 2 जन है तो यहाँ पे 2 जन का 50 रुपीज चार्ज हुआ है। और ऊपर कॉफी मिलता है, आप कॉफी पी सकते हो, ठंड बहुत होती है, इस सबसे बचना है आपको। अभी वहां पे बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप छोटे बच्चों को लेकर ना जाओ, और अगर जाओ तो फुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ जाओ। इन केस वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लोग सारे टूरिस्ट वाले सब बहुत अच्छे हैं, फ्रैंक है, और हमें बहुत अच्छा लगा। बट अब बच्चों को लेकर अगर जा रहे हो तो मेक श्योर कि बहुत लोग उन्हें संभालने के लिए हो, क्योंकि यहाँ का जो मतलब प्लेस है ना, वो मतलब अभी प्रॉपर नहीं बना है, तो आप अगर जाओगे तो शायद आपको थोड़ा सा कूद के जाना होगा, कहीं पे लकड़ी लगा हुआ है चल के जाने के लिए, पार करने के लिए, तो काइंड ऑफ लाइक दैट। हो सकता है कि आप ये वीडियो काफी टाइम के बाद देखो और तब तक टाइगर हिल्स का जो व्यू पॉइंट है वो अच्छे से रेनोवेट हो चुका होगा, तब वो अलग बात है, बट आज के डेट में तो ऐसा ही है। और अभी कंस्ट्रक्शन मतलब ऑन है, चल ही रहा है, बट मेरे ख्याल से लॉकडाउन की वजह से रुक गया था। सो गाइज, मेरे हिसाब से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं, बट अगर अभी भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर बचा हो जो आपको नहीं पता और आपके मन में वो क्वेरी है, मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट करें और मुझसे पूछें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगी और बता दूंगी आपके सारे भी क्वेरीज के सोल्यूशन। सो गाइज, आई होप कि आपको ये छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा होगा।